ये क्या, नोबिता नहीं आया? आज मेरा घर जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। मदद करने के लिए शुक्रिया डोरेमोन। कोई बात नहीं। मॉम गुस्सा होंगी। ऐसा करता हूँ मैं, चुपचाप अंदर चला जाता हूँ ताकि मॉम देख ना पाए। अरे मेरा कीमती दिन आज बर्बाद हो गया। जमीन खोदना कितना मुश्किल काम है। ये डैड क्या कर रहे हैं? मुझे उनसे भी छुपना होगा। चुपचाप चला जाता हूँ। तो तुम आ गए नोबिता। आज तुमने आने में बहुत देर कर दी। चलो अब खेलने चलते हैं। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा। वो मुझे फिर से स्कूल में रुकना पड़ा अपना होमवर्क ना करने के लिए। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि स्कूल से आते ही सबसे पहले अपना होमवर्क खत्म करो। मैं ये बात जानता हूँ, ऐसा करने की सोचता हूँ पर तुम बहुत सुस्त हो जाते हो और अपना होमवर्क करना भूल जाते हो। नहीं डोरेमोन, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। लो खुद देख लो, मैं हमेशा यहाँ अपने डेस्क पर पढ़ने की कोशिश करता हूँ पर अपनी किताब निकालते ही मुझे नींद आती है, पर फिर भी मैं किताब खोलता हूँ। ओफो, ये सब कितना मुश्किल है। मुझे तो खाने पीने का मन करता है, या कॉमिक बुक पढ़ने का मन करता है, या फिर शिजुका से मिलने का मन करता है, और फिर मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। उसके बाद मुझे आराम करने की जरूरत महसूस होती है। उसके बाद मैं लेटते ही फौरन सो जाता हूँ। दूसरे शब्दों में तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है ना? ऐसा बिल्कुल मत सोचो डोरेमोन। मैं चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाई में ध्यान लगे। अगर तुम कहते हो तो फिर ठीक है। सोप बबल हेलमेट। नोबिता अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी तुम कोई काम शुरू करने लगो तब इस सोप बबल हेलमेट को पहन लेना और फिर देखना तुम हर काम मन लगा कर करने लगोगे। समझ गए? चलो अब अपनी टेबल पर बैठो। नोबिता बैठो। ये मैं पढ़ूंगा। हाँ, अब नोबिता का ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएगा। आइडिया। नोबिता अब एक ब्रेक लेकर ये डोरा केक खा लो। अरे क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? अरे वाह, ये कॉमिक तो बड़ी मजेदार है। अरे अब वो गैजेट काम आएगा। इंडियन फेदर हेड ड्रेस। नोबिता, ये सपना तो नहीं? मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। झिंगा लाला हू, झिंगा लाला हू। जब नोबिता पढ़ रहा हो तो उसे तंग मत किया करो डोरेमोन, समझ गए ना? हाँ। वैसे भी वो कभी कभी ही पढ़ाई करता है। अच्छे से पढ़ाई करना नोबिता, गुड लक। चलो अब मैं जरा देखता हूँ। हाँ? पूरा हो गया। हाँ? ये तो कमाल हो गया है। अब देखो। वाह, मेरा होमवर्क हो गया। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अरे तुमने तो कमाल कर दिया नोबिता। आपका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ? मुझे लगता है आपको थोड़ी देर और लगेगी। ठीक है, मैं जरा सामान लाने बाजार जा रही हूँ। घर का जरा ख्याल रखिएगा। कितने शर्म की बात है कि मैं कूड़े के लिए गड्ढा भी नहीं बना सकता।
डोरेमोन, क्या तुम मुझे प्लीज वो गैजेट फिर से दे सकते हो? लेकिन किस लिए? मैं तो तुम्हारे इस कमाल के गैजेट को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तुम नहीं चाहते कि मेरे हाथों से कोई नेक काम हो? थैंक यू वेरी मच डोरेमोन, जल्दी वापस कर देना। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है डैड, अब आप अपना काम आराम से कर लेना। ये सचमुच कमाल का गैजेट है, इसे लौटाना अच्छी बात नहीं, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। किसी भी काम में कामयाबी पाने के लिए मेहनत की सख्त जरूरत होती है। नोबिता, ये दोनों, मैं नहीं चाहता ये दोनों मुझसे ये गैजेट छीन ले। क्या छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं, बाय। रुक जाओ। वाह, चीटियाँ? ये चीटियाँ कहाँ से आ गईं? अरे देखो, वो तो एक बड़ा कीड़ा लेके जा रही हैं। अरे वाह। ठीक है, चलो देखते हैं ये इस कीड़े को कहाँ ले जाती हैं। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन चीटियाँ बहुत ही मेहनती होती हैं। मैं इस गैजेट की मदद से सभी की भलाई करना चाहता हूँ। एक मिनट, एक बात तो मैं भूल ही गया था। क्या? मैं किस चीज पर ध्यान लगाना चाहती हूँ? मेरे पास एक है। क्या सच में शिज़ुका? वो क्या चीज है? वो ये स्वेटर है, लेकिन इसे मैं पिछले साल से पूरा नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ये है कि तुम इस काम में ध्यान नहीं लगा पा रही हो। बिल्कुल सही। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, इसकी मदद से तुम स्वेटर बुन के ही सांस लोगी। ओके? क्या सच में? हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, बस स्वेटर बुनना शुरू करो। सुनो शिज़ुका, गुड लक। मैं बहुत खुश हूँ, जब तुम्हारा स्वेटर पूरा हो जाए तब मुझे दे देना। ओके? ये बहुत कमाल की चीज है दोस्तों। बिल्कुल अनोखी, इसीलिए अगर किसी को भी ध्यान लगाने की जरूरत है तो वो सो बबल हेलमेट ले सकता है। अच्छा, क्या इससे ऐसा होता है? मेरे डॉग को ट्रेन करने के लिए, मेरे पियानो लेसन के लिए। हाँ। मेरे डॉग को ट्रेन करने के लिए। हाँ। और मेरी पजल्स के लिए। बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, सबको ये हेलमेट मिलेगा। पहले लाइन में खड़े हो जाइए, एक एक करके आइए, भीड़ मत करिए। मैं हैरान हूँ, नोबिता कहाँ गया? लगता है वो उस गैजेट का इस्तेमाल मजे लेने के लिए कर रहा है। आज का दिन कितना अच्छा था, मैंने कितने लोगों की मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा सचमुच। सुनियो बेटा। जियान, कहाँ हो तुम? घर आ जाओ बेटा। अरे ये तो सुनियो और जियान की मॉम है। क्या, वो दोनों अभी तक घर नहीं आए? अरे नोबिता ने उनके साथ कुछ किया तो नहीं? मुझे सुनियो की चिंता हो रही है। देखो, अगर जियान उसके साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं। इसी बात की तो चिंता है। अरे मेरे बेटे, जियान बेटा। मुझे नोबिता को जल्दी से ढूंढना होगा। ला ला ला। फिर से कोई शैतानी की है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने इस गैजेट की मदद से सबकी मदद की है और सबका बहुत फायदा किया है। और काम हो जाने के बाद तुमने हेलमेट का बटन बंद किया था? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा क्या मतलब है का क्या मतलब? हेलमेट पहनने के बाद तुम तब तक नहीं रुक सकते जब तक उसे बंद ना कर दो। मुझे जवाब।
सारी चींटियां चली गईं। हाँ, लेकिन हम यहाँ उनका इंतजार तो कर सकते हैं जियान। तुम्हारी वजह से ये दोनों। ये बढ़िया है ना, इन दोनों का यहाँ बैठे रहना सबके लिए फायदेमंद है। ये तो सच है पर शिज़का बेटा चलो जरा जल्दी से नहा लो। मैं बाद में नहा लूंगी। हाँ? शिज़का क्या कर रही? ये क्या हो रहा है शिज़का बेटा? शिज़का बहुत हुआ। हमें माफ करना। अच्छा हम चलते हैं। बाय। मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं। सब ठीक हो गया। इन गैजेट्स को इस्तेमाल करते वक्त तुम्हें सावधान रहना चाहिए। माफ कर दो। चलो अब घर चलकर हम दोनों डिनर कर लेते हैं। हाँ बहुत भूख लगी है। हम आ गए। हमें बहुत भूख लगी है। ये क्या घर पर कोई भी नहीं है? कमाल है, ये हो क्या रहा है? अरे कोई मुझे बचाओ। नोबिता चलो जल्दी चले। प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए ना। मैं डैड को भूल गया था। बस इसी वजह से मैं तुम्हें गैजेट्स नहीं देता, समझे? अब जल्दी जाओ और हेलमेट बंद करो। क्या मैं करूं? क्या तुम नहीं जा सकते? क्या कहा? नोबिता, डोरेमोन, ये सब तुमने किया है ना? मॉम यकीन मानिए, ये सब डोरेमोन की गलती थी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने वो गैजेट यूज किया था ना कि मैंने? तुम दोनों उन्हीं के पास जाओ। सुनिए जी, चाय तैयार है। अभी आता हूँ। नोबिता कहाँ पर है? वो अपने रूम में डोरेमोन के साथ है। वो अभी बच्चा है, उसका ध्यान रखा करो, ये बात ठीक नहीं है। देखता हूँ। ये मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। डोरेमोन क्यों ना हम एक ब्रेक ले लें? डोरेमोन ये तो सो गया। मजा चखाता हूँ। इसका थोड़ा मेकअप कर देता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो नोबिता? डैड। ओह तुम पेंटिंग कर रहे हो, मुझे दिखाओ। क्या ये डोरेमोन की पेंटिंग है? हाँ है। तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि तुम्हारी ड्राइंग इतनी खराब है क्यों? क्या बिना मन के ये काम कर रहे हो? ओ डैड, होमवर्क तो करना पड़ता है ना। याद रखो नोबिता, पेंटिंग एक कला है जो तुम्हारे दिल से निकलती है। तुम सुंदरता को महसूस करते हो तो तभी तुम उसको अपनी पेंटिंग में अच्छी तरह से बना सकते हो। अच्छी पेंटिंग का यही राज है। पर मुझ जैसे लड़के के लिए ये मुश्किल है क्योंकि मुझ में ये हुनर ही नहीं है। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब मैं स्कूल में था तब मैंने पेंटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था और उस वक्त मैं बहुत खुश था। क्या सचमुच? हाँ बिल्कुल सच। चलो मैं तुम्हें उस वक्त की एक पेंटिंग दिखाता हूँ। ठहरो, मैं भूल गया, जब लड़ाई हुई थी तब वो आग में जल गई थी। वो पेंटिंग कहाँ है? अगर वो आज होती तो मैं तुम्हें जरूर दिखाता, लेकिन अब कैसे दिखाऊं? मुझे डैड की बातों पर पूरा यकीन तो नहीं है, पर अगर ये सच है तो मुझ में भी टैलेंट जरूर होगा। देखिए इसकी पेंटिंग अच्छी कैसे हो सकती है, ये तो सिर्फ एक बदसूरत आलसी रोबोट है। चलो इसे सुंदर बनाता हूँ। अरे ये तो बिल्कुल फिल्म की हीरोइन लग रहा है, मैंने इसे सुंदर बना दिया। अब मुझे एक प्यारी और सुंदर मॉडल की जरूरत है। मुझे पियानो क्लास पर जाना है। बस थोड़ी देर के लिए। अच्छा देखो तुम हिलना मत। ये नोबिता ने अपनी पेंटिंग कब खत्म करी? आपको पता है नोबिता कहाँ है? अरे देखो ये तो डोरेमोन है। ओ ये तो सचमुच डोरेमोन है। अपना चेहरा तो देखो। क्या तुम एक बर्फीले भालू के जैसे लग रहे हो? एक बर्फीला भालू?
नोबिता! तुम फिर हिल गई। क्योंकि मेरे कंधों में दर्द हो रहा है। बस बस हो गया। वो तो तुम काफी देर से कह रहे हो। बासी मत लो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मॉडल शिकायत नहीं करती। पलकी मैं झपका। अरे तुम्हारी आईब्रोज हिल रही हैं। अपना मुंह मत खोलो। तुम्हारा हाथ हिल रहा है। बस करो। मैं ये अब और नहीं कर सकती। I'm sorry. मैंने शिजुका को नाराज कर दिया। शिजुका मेरी वजह से नाराज हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओ, ये तुम हो डोरेमोन। मेरे मुंह पर पेंटिंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बोलो। तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। इतने भोले मत बनो। देखो, बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। सबूत चाहिए? ठीक है, इसे देखकर हैरान मत होना। रेट्रोएक्टिव फोटो एल्बम। ये क्या है डोरेमोन? मैं अंदाजा लगा सकता हूँ जब तुमने ये काम किया। और उस टाइम को यहाँ लिखूंगा। 3 मिनट तक इंतजार करूंगा। अब इसे खोलो और देखो। ये तो क्यों, अब तुम्हारा क्या कहना है? हाँ। यहाँ नाम और टाइम लिखने पर तुम्हें उस आदमी के पास्ट की पिक्चर मिल जाएगी। मतलब अगर तुम मुझे कल के टाइम में देखना चाहो तो देख सकते हो, है ना? तो तुम ट्राई क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं कल, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले और एक साल पहले, मुझे ये सब देखना है। अब इंतजार करना पड़ेगा। मैं पिक्चर देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, और मैं भी। क्या ये तैयार है? ओह, मैं कल सो रहा था, एक हफ्ते पहले भी सो रहा था, एक महीने पहले भी सो रहा था और एक साल पहले भी सो रहा था। ये तो कमाल की चीज है। यानी पिछले एक साल में तुमने ज्यादा कुछ नहीं किया। देखो, तुम मेरी पिछली बातों को भूल जाओ डोरेमोन। इसे हम अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे। तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे नोबिता। आर्ट के लिए करना पड़ता है। क्या कहा, आर्ट के लिए? क्या तुम शिजुका की पिक्चर एक मॉडल जैसी चाहते हो? हाँ, ये अच्छा आइडिया है ना? समझा नोबिता, तो उसकी एक सुंदर सी पिक्चर इस्तेमाल करो। हाँ बिल्कुल, वैसे वो हमेशा सुंदर लगती है। सही कहा ना? अगर तुम ज्यादा पिक्चर लेते हो तो शायद तुम्हें वो मिले जो तुम चाहते हो। मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये अच्छा नहीं है। चलो नोबिता, हम कुछ और देखते हैं। उस वक्त के लिए मुझे माफ कर दो नोबिता। सुनो, ओ नोबिता, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना, वो क्या है? अरे नहीं, कुछ नहीं है। तुम्हारे पास ये है? इसके पीछे एक वजह है। वजह है? मैं तुम्हारी कोई वजह नहीं सुनना चाहती। नोबिता, लाओ वो मुझे अभी वापस दो। वो बात ये है कि वो मुझे दे दो। आज शिजुका ने क्या कसके चाटा लगाया यार। सच में कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें जो भी दूँ तुम उसका गलत इस्तेमाल करते हो। डोरेमोन, तुम्हें भी तो बहुत मजा आ रहा था। चुप रहो, मैं उसे एंजॉय नहीं कर रहा था। नाराज मत हो प्लीज। मैं आखिर नाराज क्यों ना हूँ, इससे मेरी इमेज खराब होती है नोबिता। ऐसा करो, मुझे रेट्रोएक्टिव फोटो एल्बम एक बार दे दो। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम फिर कुछ गड़बड़ करोगे। सुनो, हम इसे बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? क्या अच्छी तरह? देखो, जब मैंने उस कॉन्टेस्ट में गोल्ड जीता था तब मैं बहुत खुश हुआ। अच्छा, तो तुम डैड की खोई हुई पिक्चर्स ले रहे हो। चलो, कम से कम आज तो तुमने कोई अच्छा काम किया नोबिता। शुक्रिया। वाओ, जरा ये तो देखो डोरेमोन। डैड बहुत खुश होंगे। आज मैं इसे चुपके से डैड की अलमारी में रख दूंगा। नोबिता, मुझे पेंटिंग्स मिल गई। वाओ, आप तो सच कह रहे थे डैड, मैं बहुत खुश हुआ। इससे मेरी यादें ताजा हो गई, मुझे लगा ये जल गई हैं। सुनिए जी, थोड़ा और लेंगे। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, जब हमारी वजह से किसी का दिल खुश होता है तो कितना अच्छा लगता है ना? अब अगर तुम्हें अच्छा लग ही रहा है तो अपना होमवर्क ही कर लो। चलो देखते हैं। ओ, ये भी अच्छी नहीं है। क्या हुआ? ये भी बेकार है। मैं पेंटिंग बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर तुमसे नहीं बन रही तो तुम रहने दो। नहीं,
मेरे अंदर एक टैलेंटेड कलाकार छिपा है, लेकिन तुम एक अच्छे मॉडल नहीं हो। क्या क्या कहा? जब भी तुम्हारे भालू जैसे चेहरे को देखता हूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। लेकिन मैं पेंटिंग करूँगा। तुम कितने गंदे